दाहोद से डुप्लीकेट आने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर दुकानें बांधी गई होने की बात पता चली थी। तब दीपावली पर्व के मद्देनजर व्यापारी बेहद ही डर गए थे। मामलतदार ने इन व्यापारियों को नोटिस दी थी, लेकिन अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से इन व्यापारियों को इस मामले में राहत दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस वक्त इन व्यापारियों को राहत दी है। 100 से ज़्यादा दुकान मालिकों को राहत मिली है, जिसके मद्देनज़र वो बेहद ही खुश है। तब इस मामले में बचाव पक्ष के हाईकोर्ट के वकील उत्कर्ष दवे ने ज्यादा जानकारी दी है। आज गुजरात के उच्च न्यायालय के अंदर, गुजरात राज्य के सर्वोच्च उच्च न्यायालय के अंदर जो दाहोद जिले के व्यापारी गण है, उनके द्वारा मामलतदार ने जो नोटिस इश्यू करी थी 24 तारीख को और 25 तारीख को, उनके वहां आके जो उनको क्लैरिफिकेशन देना था 376 रेवेन्यू सर्वे नंबर को, उसको चैलेंज करने में आया था बाय वे ऑफ स्पेशल सिविल एप्लीकेशन। जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि आप जो हैं यू विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, आपको संपूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, किसी भी चीज़ में आपको उतावल नहीं करनी पड़ेगी। ये मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन है, इन्होंने जो ज़मीन है ये खरीदी है किसी व्यक्ति से सेल डीड के द्वारा, ये लोग बोनेफाइड परचेसर हैं, तो सारी चीज़ ये लोग लेके आपके पास आएंगे, इन्हें समय देना पड़ेगा, इतनी जल्दी काम नहीं होगा। तो हम जो हैं, जो पक्षकार हैं, ये कल मामलतदार साहब के पास जाके इनसे समय की मांग करेंगे और उनके द्वारा जो समय प्रदान किया जाएगा उसके संदर्भ में सारे कागज जो इनके पास हो गए एज ए बोनाफाइड परचेसर वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, हाल के दौरान ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दिवाली के पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने जो व्यापारी गण था उनके ऊपर हाथ रखा है और उन्हें बहुत बड़ी हंगामी राहत दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।